खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं। मेरे साथ ही मेरे खबर आजकल के एक सदस्य प्रशांत आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं और हम दोनों मिलकर हमेशा कुछ ना कुछ अलग आप सभी के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज संडे यानी कि द स्टोरी आज आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं और आज द संडे में आपको देखने को मिलेगा ये कि अक्सर आप सभी जब किसी रास्ते या चौराहे से गुजरते हैं तो कुछ ऐसे लोग आपको नज़र आते हैं जो दिशाहीन होते हैं, ज्ञानहीन होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उनकी दिन और शाम कब ढलती है। वो रास्ते में घूमते हैं, ना शरीर पर अच्छा कपड़ा होता है और ना ही अच्छे बाल होते हैं। वो बस घूमते हैं, जहाँ जो मिला वो खाते हैं, जहाँ जो मिला वो फेंकते हैं और जहाँ मर्जी वहीं आराम करते हैं। आप समझ गए होंगे हम किन की बातें कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका कोई नहीं होता और उन्हें कोई पहचानता नहीं। वो हम एक तरह से कहें कि दिशाहीन लोग होते हैं वो, और अंडर प्रिविलेज पीपल्स की क्या कहानी होती है यही आज हम डिस्कस करेंगे। और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि एक अच्छे उदाहरण के साथ आप सभी के साथ हम जुड़े हैं। हमारे साथ जैसे कि हमने बताया प्रशांत आचार्य जी जुड़े हैं। 27 जनवरी को एक रेस्क्यू किया गया जहां पर एक दिशाहीन व्यक्ति को ढूंढा गया और ढूंढा ही नहीं गया बल्कि उनके परिवार तक आपको यकीन नहीं होगा कि एक साल बाद उनके घर के बगल में घूमने के बावजूद भी उनके परिवार उसे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन ये संभव या एक तरह से कहें कि असंभव प्रयास जो एक साल बाद हुआ वो हमारे प्रशांत आचार्य जी के इनिशिएटिव द्वारा आया, साथ ही साथ कुछ समाज सेवियों के इनिशिएटिव उनके एक कदम उठाने के बाद आया। तो विशेष तौर पे आप शुरू करते हैं हम द स्टोरी में क्या हुआ। प्रशांत सर बताइए उस व्यक्ति का क्या नाम था और क्या कैसे आप लोगों ने इस चीज़ को रेस्क्यू किया और उसके घर तक पहुँचाया। नमस्कार सभी दर्शकों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि रोड में कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हो या कोई भी हो, मानसिक असंतुलन खोया हुआ कोई व्यक्ति रहता है, हमें लगता है कि उनका कोई नहीं होता है जी। कोई नहीं होता है और हम उनको कभी ज़रूरत पड़े तो खाना दे देते, कपड़ा दे देते, लेकिन उनके कहानी सुनने में थोड़ा सा हम लोग हिचकिचाते हैं या तो प्रयास भी नहीं करते। तो इसी तरह हमारे एक नमस्ते फाउंडेशन करके NGO है, दार्जिलिंग बेस्ड NGO है, तो हम एक साथ काम करते हैं, मैं भी उस फाउंडेशन का मेंबर हूँ। तो हमने क्या देखा कि सालबाड़ी के करीब जो मेथीबारी है, मेथीबारी में एक पेट्रोल पंप के सामने एक शेड बनाया गया था। एक्चुअली वो बस स्टॉपेज था, स्टॉपेज में जो शेड बनाया हुआ था वहाँ पे एक व्यक्ति बहुत ही मतलब बुरा हालत में, यानी कि उसके कपड़े फटे हैं और मतलब उनके बाल इस तरह से बिखर गए हैं, तो मतलब बहुत ही इन्वायरमेंट भी देखा तो बहुत ही बुरा तरह से इन्वायरमेंट में वहाँ पर रह रहे थे। तो हमने देखा तो बहुत लोगों ने उनको क्या है कि खाना देते थे, कपड़ा देते थे, लेकिन हमने सोचा नहीं उनको जाके उनके जो जगह है उसको साफ़ सफाई किया जाए, उनको कुछ कपड़े उपड़े लगाए दिया जाए, उनको नहा दिया जाए और पूछे कि मतलब वो व्यक्ति क्या है, कैसे है। तो बात करने की जब कोशिश की तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिंकी आई थी, सुमन दीदी आई थी, मैं भी हम लोग गए थे। तो हमने देखा, ये आप TV में देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्यक्ति हमको मालूम है कि हमारे कैमरे स्क्रीन पर दिखाएं, हाँ ये देखा, ये व्यक्ति फर्स्ट जब हमने उनसे मिला तो ये व्यक्ति का हालत इस तरह से था। ये व्यक्ति मतलब देख सकते कि आप किस तरह से किस स्थिति में है। तो इनको जब देखा गया तो ये डर तो होता ही है सबको, लेकिन उसको क्या है कि खुद को बचाने के लिए वो गाली गलौज करने लगा, मारने आया हम लोगों को, गलत इशारा कर रहा था और वो मारने आया। लेकिन उसको भी इनसिक्योरिटी फील होता, क्योंकि अभी ऐसा सबसे बड़ा चीज़ है कि मतलब अमर भाई एक चीज़ मैं बनना चाह रहा हूँ, ऐसी व्यक्तियों को भी हमने सुना कि गिरोह है जो कि इनकी किडनी निकाल लेते हैं जी, है ना, तो इसके जो पुर्जे निकाल लेते हैं, ऐसा निकाल लेते हैं, वैसे जो गिरोह होते हैं उनका विशेष ध्यान रहता है, ये कब विलुप्त हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसीलिए शायद ये व्यक्ति को मतलब प्रयास किया गया होगा, किसी ने इस तरह का प्रयास जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश किया होगा, इसीलिए ये कोई भी जाता है तो उसको उस संकेत से उस हिसाब से देखता है, मतलब संदेह के हिसाब से देखता है और वो खुद को बचाने के लिए आक्रामक हो जाता है। लेकिन बाद में हमने जब क्या किया कि उसको चाय पिलाया, बिस्कुट दिया, बिस्कुट करने के बाद बोला कि नहीं हम आपको अच्छे के लिए, आपके भलाई के लिए आए हैं, तब व्यक्ति थोड़ा सा मतलब कूल हुआ। कूल होने के बाद में जब देखा गया कि वो व्यक्ति मान रहा है, देखिए ये भाग गया था,
आप टीवी में मैं दिखाना थोड़ा सा दिखाई, ये व्यक्ति भाग रहा था। फिर उसके बाद में हम लोग जो मेंबर है, मेंबर ने किस तरह से इनको साफ सफाई की, इनको मनाने की कोशिश किया। देखिए, ये चाय पिलाने के बाद थोड़ा सा कूल हुआ। उसके बाद उन्हें हमने बाल काटने, क्योंकि बाल इस तरह से बिखरे हुए थे कि बाल बहुत ही हालत खराब था, वो बाल काटने के लिए मैं मना नहीं कर रहा था। फिर उसको प्यार से समझाया तो वो मान गया। लास्ट में वो मानने के बाद उसके दाढ़ी काट दिए, उसको नहलाया, है ना। नहलाने के बाद में देखिए कि वो मान गया। उस तरह से देखिए उसको कपड़ा वपड़ा पहन के फिर हमने खाना खिलाने के लिए लेके गए। तो खाना जब खिलाने के लिए लेके गए तो वो इतना खुश हो गया, देखिए गाना भी गा रहा है, है ना। तो ये गाना गाने लगा, तब अब तक पहचान में नहीं आ रहा पहले कैसी थी, अब तक इसको ये मालूम नहीं था कि मतलब ये है। अभी देखते, मतलब इसमें क्या है कि मैं बता रहा हूँ अमर भाई कि ये व्यक्ति के बारे में कोई किसी को मालूम नहीं था। बहुत सारे संस्था आए, खाना खिलाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको पूछा तक नहीं, उसकी परिचय जाने की कोशिश नहीं किया। दिया ऐसे नहीं कि व्यक्ति है, आया खाना भी दिया। जब हमारी एक संस्था की एक सदस्य है, है ना, तो वो सदस्य ने कनिका नाम है उसका, कनिका दास। तो कनिका ने उसको बंगाली में पूछा कि आपना बाड़ी कुथाई, वो क्योंकि वो बंगाली में बात कर रहा था जी। तो बोला कि आपका आपना बाड़ी कुथाई, बोले देशबंधु पाड़ा। तो सिलीगुड़ी के देशबंधु पाड़ा। और अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारी मेंबर वो भी वहीं की रहने वाली थी। अच्छा, एक कोइंसिडेंस हो गया। तो उसके बाद में उसने बोला कि तुम्हारा बाबा नाम की, तो बाबा अनिल उनका नाम अपना आप उसने परिचय थे, हमारा नाम देवी प्रसाद बैनर्जी जी। तो बाबा का नाम, उसका पापा का नाम पूछा गया तो अनिल बैनर्जी बताया गया जी। और हमारे मेंबर ने तुरंत वहाँ के वार्ड काउंसिलर को फ़ोन किया, देशबंधु पारा के जो वार्ड नंबर कौन से वार्ड में आते हो। तो उस समय वो फिर वार्ड काउंसिलर पहचानते हैं, उन घर को ढूंढा, जाने के बाद में वहाँ मिला। मिलने के बाद उनको बोला, हाँ सचमुच 1 जनवरी 2020 के दिन रवि बैनर्जी और मानसिक असंतुलन थे, लेकिन सभी बिजी थे तो वो घर से निकल गए, तब से नहीं आए जी। यानी कि लंबे समय, यानी कि एक साल से वो लापता थे। और सर एक चीज़ बताएगा, जब वो घर पर पहुंचे, घर वालों की क्या स्थिति थी, क्या रिस्पॉन्स था, और क्या उस समय के लिए आप कहना चाहेंगे जी। मैं आपको और एक फोटो में आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि जो व्यक्ति हमने बताया आपको कि किस तरह से इतने सालों तक, यानी एक साल तक, लगभग एक साल तक किस तरह से वो अपने घर के परिवार से दूर रहे। तो उसमें क्या हुआ कि वो परिवार के जो व्यक्ति है वो भी, उन्होंने भी बहुत ढूंढा। ये देखिए, ये इस पेपर में उनका छपा हुआ था कि ये पेपर में देखिए नाम उनका बापी, एक्चुअली वो ऑफिशियल नाम, मतलब उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नाम तो देवी प्रसाद है, लेकिन उनको बापी करके जानते थे। तो बापी बैनर्जी आप देख सकते हैं, 50-60 साल प्लस लिखा हुआ, लेकिन समय पढ़ने छिलो चेक पैजामा चेक सामान्य मानसिक भरोसाहीन लिखा था। हाँ, नंबर भी दिया गया था, ये नंबर भी दिया गया था। परिवार वालों ने बहुत ढूंढा, इवन बहुत सारे मतलब पुलिस स्टेशन, सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन में खबर करने के बावजूद उन लोग खुद भी फिजिकली गए। अब जब गए तो जाने के बाद में क्या हुआ कि उनकी खबर तो नहीं मिली, क्योंकि वो जिस हालत में था तो शायद उनको पहचाना भी मुश्किल हो गया था। तो स्थिति में जब हमने फ़ोन किया तो वो चौंक गए। वो चौंकने के बाद में उन्होंने बोला कि अरे कहाँ है, कैसे है, तुरंत बता दीजिए, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जी। तो उसके बाद में फिर वो परिवार वाले आए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि परिवार वाले जब आए तो क्या स्थिति था, क्या माहौल था, कैसे उन लोग मिले और उन लोग कैसे रिएक्ट किया उस चीज़ को, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। और अमर भाई ये चीज़ एक क्या है कि मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग एक मीडिया, यानी कि हम लोग टीआरपी आजकल के माध्यम से मिली, हम लोग टीआरपी जागरूकता, ये चीज़ नहीं है कि मतलब ये हम चाहते कि जब ऐसी घटना होती है या इस तरह की जब भी होती है तो हम चाहते कि परिवार वाले से मिलाने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है मीडिया का जी। तो ये मीडिया की भूमिका बहुत ही अहम रहती है इस सब चीज़ों में। ये आपने जैसे कि आपने देखा किस तरह से वो थे, और इनका जो परिवार वाले जब आए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे परिवार वाले जैसे आए तब देखे, ये इनका देवाशीष जो है उनका छोटा भाई है जी, जो ऑफ वाइट कलर का स्वेटर पहने जी जी जी। उनके बाद उनको देखने के बाद में वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि वो हमने उन्हें, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन में हमने, क्योंकि वहाँ पे कंप्लेंट की गई थी, वहाँ लेके गए।
ये सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन है, आप देख रहे हैं, ये हमारे मेंबर्स के साथ देखिए, है ना। तो उसके बाद मैं आपको दिखाना चाह रहा, ये जो हमारे पिंकी बहनी है ये, और ये जो कनिका है जिसने परिवार वाले से फ़ोन करके बुलाया था जी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रिएक्शंस जी, ये उनके भाई हैं जी, ये देखिए, ये जब उतरे, जब घर पहुंचे जी, घर पहुंचने के बाद में जो एक साल बाद देखिए, गांव में एक खुशी छा गई थी, सारे परिवार वाले और गांव वाले जितने भी नेबर्स थे वो आ गए, वो आश्चर्यचकित हो गए कि भाई इतने एक साल के बाद में घर आ गए। ये देखिए, और अमर भाई एक चीज़ क्या है कि आप देख रहे हैं जो देवी प्रसाद यानी कि बापी जो है वो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी, हम जब वह घर में गए तो घर वालों ने बताया कि मतलब जो बापी है, बापी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं जी, तो क्रिकेट भी वो बहुत अच्छा खेलते थे और वो काम भी करते थे, लेकिन मतलब घर से एक बार निकले तो फिर उनका मतलब देखना ही, मतलब वो कहाँ गए क्या गए किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, कब गए किसी ने देखा भी नहीं कि किसी मतलब वो घूम रहे या किसी एरिया में। तो उस जो मेथीबारी के सामने जो पेट्रोल पंप में आप कभी भी गए होंगे, देखे होंगे, लेकिन नज़रअंदाज भी किए होंगे, या आपने कभी खाना भी खिलाया होगा, खबर आजकल जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, कभी आपने याद किया होगा उस रास्ते से जब गुजर रहे थे, मिरिक जा रहे थे या किसी कारणवश आप सुकना जा रहे थे, ध्यान में आएगा, लेकिन इनका परिचय जो है वो गुमसुद का था। तो ये एक कहानी है। तो खबर आजकल के माध्यम से हम लोग इस ऐसे व्यक्तियों को मिलाने के लिए एक मुहिम छेड़ेंगे, ये एक फर्स्ट एपिसोड है। नेक्स्ट हम लोग का ये जो एपिसोड के थ्रू से ही जितने भी व्यक्ति अभी बागड़ा में, नेक्स्ट हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले, जैसे ऐसे मानसिक असंतुलन खोया व्यक्ति बहुत सारे बागड़ा में पड़े रहते हैं। तो और एक चीज़ अमर भाई, एक मानसिकता जिसके खोए हुए व्यक्तियों का अलग अलग कहानी होता है, उनका अलग अलग देखें स्टोरी अलग अलग होता है। किसी किसी का क्या होता है कि जैसे ये व्यक्ति आक्रामक था जी, जो मैंने किडनी वाला इंसिडेंट बताया वो आक्रामक था। बागड्रम में आपने देखा होगा एक लेडी है जो प्रेग्नेंट की भूमिका की कैरेक्टर में वो घूमती सालों सालों से, वो क्यों, क्योंकि एक महिला होने के बावजूद उसको उस तरह का कभी किसी मतलब मिसक्रिएंट्स ने या कोई इस तरह के व्यक्तियों ने उनको बलात्कार होगी जी, बलात्कार करने के प्रयास किया होगा या उनके साथ कोई दुष्कर्म करने के प्रयास हुआ, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करती कि प्रेग्नेंट की तरह वो कपड़ा बांधती है जी। उनके मानसिक असंतुलन तो नहीं, लेकिन होश होता है उनको जी, मतलब वो तो हर इंसान अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेता है जिससे वो अपने आप को सिक्योर महसूस करे, क्योंकि भले वो मानसिक तौर पे संतुलन का ख़राब हो, लेकिन एक तरह से अपने आप को सुरक्षा रखना हर किसी का अपना सबसे पहला एक तरह से कहते प्राइडी रहता है। तो ऐसे में हमने देखा है कि कई बार अपने आप को बचाने के लिए ही जो दिशाहीन या मानसिक तौर पे जो लोग या एक तरह कहेंगे पागल की तरह घूमते हैं, तो वो एक तरह से अपने आप को आक्रामक दिखाते हैं, लेकिन एक उसका भी अस्तित्व कहीं ना कहीं रहता है, कहीं ना कहीं से वो आते हैं, किसी ना किसी घर का वो हिस्सा रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है किसी कंडीशन में आकर जब वो अपने घर से दूर रहते हैं, अपने घर नहीं जा पाते हैं, और उस वक्त के बाद धीरे धीरे उनकी जब केयर नहीं होती है, तो वो एक अलग तरह की स्थिति में right. आ जाते हैं, और जहाँ से उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में अगर एक मुहिम जैसे कि आपने छेड़ी, अगर इसी तरह अगर कुछ और समाज से भी अगर इस जगह पर आकर उन सभी दिशाहीन लोगों को अगर वो एक बार एक जगह एकजुट करे, और उसे अगर महीने में अगर एक बार भी उसे अगर साफ करे, अच्छे कपड़े पहनाए, उनके बाल काट दे, अगर पुरुष हैं तो उनके दाढ़ी वाड़ी काट दे, और उस वक्त अगर उन्हें अगर एक फ़ोटो खींचकर उससे अगर सर्कुलेट किया जाता है, हो सकता है कि जो लोग अपने का तलाश कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से, हो सकता है कि एक सुझाव से एक अच्छा प्रयास में जो अपने का तलाश कर रहे हैं उन्हें एक जो अपना है वो उन्हें मिल जाए जी। राइट राइट अमर भाई, जैसे प्रयास करने से कुछ भी मतलब कुछ सफलता मिलती है, जैसे इस व्यक्ति के बारे में हमें क्या पता था, हमें तो लगता है कि उसका कोई है नहीं, आगे पीछे कोई है ही नहीं, हमें लगा कि वो अकेला है मानसिक असंतुलन, उसका परिवार के बारे में तो कुछ हम मिलाएंगे एक ही दिन में, उनसे मिलने के बाद परिवार से मिलाएंगे नहीं था ये नहीं, हम लोग मतलब हो सकता है उस दिन उसका दिन अच्छा था अच्छा था, और आप
लोगों के थ्रू एक अच्छा काम होना था तो वो दिन हो गया, लेकिन हर किसी का ऐसा अच्छा दिन नहीं होता है कि वो आसानी से अपने परिवार को मिले। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं आज भी अपने परिवार तक जाना चाहते हों या वहाँ पहुँचना चाहते हों लेकिन किसी कारण से वो नहीं पहुँच पाते, तो इस तरह की कोशिश से जो है वो अक्सर मुझे लगता है रंग लाएगी। जी 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 अमर भाई, जो हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे खबर आजकल का हेल्पलाइन नंबर जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं उसमें फ़ोन कीजिए। अगर आप असफल हो या तो आपको हिम्मत नहीं आ रही या अकेले हो, ऐसे व्यक्ति को मिला जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है, महिला हो या पुरुष हो, तो आपको लगा कि नहीं कुछ सहयोग कर सकते हैं तो हमें संपर्क कीजिए, हम अपने टीम के साथ आके हम प्रयास करेंगे आपको भी लेके वहाँ जाके उनसे बात करेंगे। अगर वो मतलब प्यार से अगर समझा गया तो वो मान के परिवार से अगर मिला है तो वो बहुत ही अच्छी सफलता होगी। तो ऐसे व्यक्ति आप तो देख रहे हो, लेकिन हमें ये इंसिडेंट के बाद में पता चला कि नहीं ये असंभव नहीं है, ये संभव है। उनको प्यार से अगर समझाया गया, थोड़े से टाइम लगेंगे, लगभग आधा एक घंटे तक उनके पास बैठ के उनके साथ मीठी मीठी बातें करने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो ये मान जाते हैं, पॉसिबल है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, आपने जुड़ा और अच्छे काम आप करते हैं। हम खबर आजकल की टीम हमेशा से कुछ अच्छे काम के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, इसलिए हम हटके और थोड़ा अलग आप सभी को दिखा भी पाते हैं। तो ये एक स्टोरी था, सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमने ये काम किया, ये स्टोरी इसलिए था कि इस स्टोरी के दिखाने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि आप अपने जगह पर जागरूकता बढ़ाएँ और ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने से दूर ना करें। बल्कि एक बार मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई ये काम कर सकता है, कुछ लोग जो अपनी सामाजिक भूमिका समझते हैं अगर आप इस तरह की छोटी सी प्रयास करते हैं तो हो सकता है कभी जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार भी देख रहे होंगे जिनके घर का लोग आज तक गुम है, उन्हें मिलता नहीं है, उन्हें पता नहीं कि उनके जो प्रिय थे वो अब कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालात में हैं। लेकिन जिस तरह से एक साल के बाद एक व्यक्ति अपने घर पहुँच पाया, ठीक आज भी ऐसे कई व्यक्ति होंगे जो पिछले 5 और 10 सालों से भी अपना अस्तित्व ढूंढ रहे होंगे और उसका परिवार उसे ढूंढ रहा होगा। तो ऐसे ही कुछ स्टोरी के साथ हमेशा आपके साथ जुड़ते रहेंगे, जागरूकता के लिए हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे टीम को, ऐसे लोगों को और वे लोग जो लोग इस तरह के कार्य हमेशा करते रहते हैं, अपनों को मिलाते रहते हैं, उन्हें खबर आजकल की तरफ से एक बहुत बड़ा हम एक तरह से आभार व्यक्त करते हैं। और हम आप इसी के साथ द स्टोरी में ये स्टोरी दिखाए, अगले किसी स्टोरी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि द स्टोरी में कुछ अपने ही कारनामों को या आसपास की किसी चीज़ को आप दर्शाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर को पहले सेव करें खबर आजकल के नाम से, और जब मर्जी जब चाहें आप हमारी सेवा ले सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। और इसी तरह से हम और हमारे प्रशांत सर या हमारी टीम आपके समक्ष हमेशा द स्टोरी लेकर आती रहेगी। और अमर भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें प्रमोशन के लिए नहीं, ये स्टोरी को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये आपने तो देखा, आपने माना होगा, आप कन्विंस हुए होंगे, लेकिन शेयर करने के बाद आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी देखने के बाद उनको भी लगेगा कि ऐसे व्यक्तियों की मदद खबर आजकल के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सहमत है, और शेयर करने से हमारी जो एक छोटी सी कोशिश जो कि हमने आपके अभी माध्यम से किया है और हम चाहते हैं कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग इस चीज़ को देखकर उन्हें भी लगे कि वाकई में अगर मैं भी अपने आसपास में किसी ऐसे दिशाहीन लोगों की मदद कर सकूँगा तो किस प्रोसेस में करना है, कैसे करना है, उस वीडियो में आप पूरा देख पाए होंगे और हमने जो जानकारी दी उसमें आपको मिल गया होगा। तो आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए, खबर आजकल पर बने रहने के लिए, खबर आजकल लाइक और फॉलो करने के लिए आप सभी का खबर आजकल से मैं अमर शाह दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपने आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी आप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर करें।